स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हम सब के लिए गर्व और गौरव का क्षण है माननीय। हैदराबाद ही जमाने में तो मस्ती चढ़ गई थी। देखो आप बोलते नहीं वो सब, आप कल से देखो आप क्या क्या होने वाला है। यानी मेरे को जब मैं अभी टीवी देख रहा था अकबर के साथ, हम अकबर जो है काफी उनका बारीक देखते हैं, उन्होंने चार पांच चैनल दिखाए। मैं बोला क्या दिखा रहे, तो बोले देखो एंकर की, देखो आप चेहरे पर कितनी तकलीफ है। पाँच छह एंकरों को देखा मैं, इतनी तकलीफ क्यों है आपके? सब बराबर है और यही एक भाव है जिसके कारण 30 साल से एनडीए अलायंस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी की तरफ से जो कम्युनल अगली कैंपेन चलाया गया, उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं, उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। जैसा हैदराबाद में वाहियात किस्म का कैंपेन बीजेपी ने चलाया, बिल्कुल वाहियात किस्म का, उससे बढ़कर ज्यादा वाहियात नरेंद्र मोदी ने कैंपेन करवाया। बस ऐसा दिख रहा था कि इस देश में मोदी की नज़र में सिर्फ मुसलमान ही वोट देने वाले हैं, कोई दूसरा देने वाला नहीं। हर भाषण अपना पराया कुछ नहीं है, सबको गले लगाने में हमें कभी कोई कमी नहीं रखी है। उसी का परिणाम है कि जनता का विश्वास भी जीत पाते हैं। हर भाषण में उन्होंने एक एक चुन चुन के इस तरह की वाहियात बातें की और तारीख उनके भाषण को हमेशा याद रखेगा। एक दूसरे का सहयोग किया है, हर किसी ने यही सोचा जहां कम वहां हम, अगर कोई कमी है तो मैं आऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हें कमी नहीं रहने दूंगा। जहां कम वहां हम, ये हर कार्यकर्ता ने जी करके दिखाया है और तभी तो जीत आती है। जिन्होंने उस कड़ी धूप में इस कैंपेन को चलाया, मैं एक एक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हम तमाम की इज्तिमाई मेहनत और की वजह से एक तारीखी कामयाबी हमको हैदराबाद के पार्लिमानी हलके से मिली है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, जस्तजू करूँगा कि जो भरोसा मुझ पर आपने कायम किया है, पहले से ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे हैदराबाद की पार्लियामेंट की के यहाँ पर डेवलपमेंट करवाने के लिए। और मैं साथ ही साथ कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो कर रखना, लेकिन उसके ऐसी चीज़ों की बालमूर्ति हो जाती है और हो भी गई। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे नमहारे हैं। एनडीए का महाविजय है। और आपने देखा दो दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था। पूरे के पूरे हैदराबाद को आ गए थे और हैदराबाद की आवाम बोली हौरे, हैदराबाद की आवाम बोली हौरे, हैदराबाद की आवाम बोली हौरे, नहीं बोले तो नहीं सुनते। दिखा दिए, पूरा दिखा दिए ना आप। देखो ये एक तारीखी कामयाबी, मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल
स्थायी करने के लिए ऐसे काल्पनिक बड़े ये करने पड़ रहे हैं। और ये एक जो वर्डिक्ट आया है, अब अगर मोदी जी सरकार बनाएंगे तो उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा, उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा, और वो भी बड़ा अच्छा नज़ारा होगा देखने के लिए, क्योंकि 300-400 पार बल्कि माशाल्लाह से। अभी अभी तो इनकी सरकारें बनी थी, लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास टूट गया, भ्रम से लोग बाहर आ गए और एनडीए को गले लगा दिया कर्नाटक और तेलंगाना में दोनों जगह। हाँ, सूबे तेलंगाना में 8 सीटें बीजेपी जीती, क्या कहना है? अभी और कम हो जाएगा, कल से आप देखेंगे उनकी ताकत कम हो जाएगी। किसकी ताकत? बीजेपी की, तेलंगाना कम होगी? नहीं नहीं, उनकी भी कम होंगी, आप फिक्र मत करिए। आप देख लीजिए जो बाजा बजाए थे 400 पार का, तो लोग अंदाजा कर लिए, बाज लोग उसमें आ गए बातों में, तो अब उनको अंदाजा हो गया। आप कल से देखेंगे कि कल से पूरा जितना बुखार था ना, बुखार था या जो क्या बोलते वो तेलुगु में क्या बोलते हैं, हाँ नहीं नहीं बानमती क्या बोलते हैं, उतारते ना वो, हाँ सब उतरेगा, कल से सब उतरेगा। अब ठेठ हैदराबादी जमाने में तो मस्ती चढ़ गई थी, देखो आप बोलते नहीं वो सब, आप कल से देखो आप क्या क्या होने वाला। ये 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 जो गर्दन मोटी हो गई थी ना सबकी, कि हम ही बोले तो सब सही है, और माशाल्लाह से आप लोग तो उसको प्रमोट भी किए, एक आदमी प्रमोट किया उसको। माने मेरे को जब मैं अभी टीवी देख रहा था अकबर के साथ, हम अकबर जो है काफ़ी उनका बारीक देखते होंगे, उन्होंने 4-5 चैनल दिखाए, मैं बोला क्या दिखा रहे, तो बोले देखो एंकर की, देखो आप चेहरे पे कितनी तकलीफ है। 5-6 एंकरों को देखा मैं, ये इतनी तकलीफ क्यों है आपके एंकर्स को? अरे खुशी मनाइए, देश की जनता का फैसला है, आपके घर में तो चिराग जल रहा है ना, या कुछ आपको तक नुकसान हो गया, मेरे को नहीं मालूम। एक एक एंकर इतना ऐसा उदास लग रहा है कि भाई के ऐसा दिख रहा है कि घर में उनके कुछ हो गया, हादसा हो गया। पब्लिक का वर्डिक्ट है, हम उम्मीद करते हैं कि पूरे एंकर्स को रात में अच्छी नींद आएगी, अगर नहीं आएगी तो फिर आप कुछ इंतजाम करिए।